न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखनाथ मंदिर व श्री राम कथा प्रेमिया की समिति के तत्वाधान में प्रमलिनता वैद्यनाथ की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का हुआ समापन। सुप्रसिद्ध राम कथा वाचक मुरारी बापू ने कहा, बिना प्रेम का नीरस है जीवन, इसलिए करें श्री राम के प्रेम और जीवन को बनाएं सार्थक। संदिग्ध हालत में घर की छत पर युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जुटी जांच में। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। अशनाही में हत्या का शक। 10,000 का इनामी बदमाश चढ़ा चिलुआ ताल पुलिस के हत्थे। सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने किया खुलासा। ऊर्जा कर्मी योगी सम्मान से सामाजिक स्तर पर काम करने वाले 20 लोगों को किया गया सम्मानित। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, योगी के कारण गोरखपुर में काफी हुआ है काम। शाहपुर थाना क्षेत्र से गायब हुए बच्चों के तलाश में पुलिस का सर्च अभियान। रविवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। पुलिस टीम गठित करके भी हो रही है गायब बच्चों की तलाश। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत सीआरसी गोरखपुर ने निकाली जन जागरूकता रैली। मानसिक समस्याओं के प्रति लोगों को किया जागरूक। आईएमए के तत्वाधान में ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल के चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर सुधीर गोपाल जिंगरन की स्मृति में आयोजित हुई व्याख्यान माला। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। आईएमए के कार्यों की भी की गई समीक्षा। आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय धर्म महासम्मेलन का हुआ समापन। सामाजिक आर्थिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान पर किया गया चर्चा। साहित्यिक ग्रुप द राइटर्स अड्डा द्वारा भोजपुरिया ओपन माइक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भोजपुरी के उभरते कलाकारों और कवियों ने दी अपनी अपनी प्रस्तुति। टाइम्स ग्लोबल ग्रुप द्वारा कोलकाता में आयोजित मिस इंडिया इंटरनेशनल और फैशन कोस्टा में गोरखपुर की अंकिशा शंकर ने फर्स्ट रनर का खिताब किया अपने नाम। कहा, मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बनाने की है तमन्ना। और यूपी स्टार सिने राइजल 2019 के भव्य फिनाले का हुआ समापन। भजन संगीत डांस और मॉडलिंग के प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग।